मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हम उसके दूसरे उपखंड का समापन कर चुके हैं और आज हम इसके तीसरे उपखंड की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन तीसरे उपखंड की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये बात आपसे साझा कर लूं कि तीसरा उपखंड कई मायनों में अति महत्वपूर्ण है। इसमें सांप्रदायिकता और जातिवाद का जो रूप आप देखेंगे शायद किसी और पुस्तक में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। किस प्रकार विश्वविद्यालयों का इस्तेमाल सांप्रदायिकता के लिए और जातिवाद को बनाए रखने के लिए होता है, इसका भरपूर खुलासा तुलसी राम जी की मणिकर्णिका में आपको सुनने को मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ इस महत्वपूर्ण एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। तीसरे उपखंड का विषय है बीएचयू माई की गोद में। बनारस पहुंचने के तुरंत बाद मैं बस से एक बार फिर आजमगढ़ चला गया और इंटर की मार्कशीट लेकर दूसरे दिन वापस आ गया। तपसी राम तथा मुन्नीलाल अभी भी उसी गौरीगंज वाले मकान में रह रहे थे, जिस गौरीगंज वाले मकान में इन्होंने 40 पैसे उठाए थे दो टुकड़ा बर्फी खाने के लिए। स्मरण रहे, मीरा वहां उस चोरी की घटना से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल था, किंतु मजबूरी वश मुझे जाना पड़ा। तपसी राम बहुत खुश हुए। मैंने उनका 20 रुपया उनके मना करने के बावजूद लौटा दिया। कलकत्ता से जो कुछ अर्जित किया था उसमें से अब 50 रुपए ही बच पाए थे। तो यहाँ पर आनंद बैगा जी का एक कमेंट था जिसमें वह लिखते हैं कि उन्हें ताज्जुब होता है कि उन्होंने सारे पैसे जो हैं तुलसी राम जी ने घूमने फिरने में खर्च कर दिए। तो यहाँ पर बता दूं कि उससे एक लाइन पहले ही वो इस चीज का खुलासा कर देते हैं कि जितने भी पैसे मजदूरी के बाद मिलते थे वो दूसरे सप्ताह खाने में और रहने में ही खर्च हो जाया करते थे। तो संभवतः इसी वजह से उन्होंने सोचा होगा कि हद से हद कितना 15-20-25 रुपए बचा लेंगे जो ना काफी रहेंगे या उतना भी नहीं बचता, तो इसीलिए क्यों ना उसको घूमने फिरने में सैर सपाटे में खर्च कर दिया जाए। जिसके पीछे उनकी एक मंशा ये रही होगी कि बचपन से दुख भोगे हैं, अपशकुन अपशकुन सुन के डिमोरलाइज भी फील किया है, तो क्यों नहीं एक बार कम से कम जिंदगी को जीले में आनंद उठा ले उसका, हो सकता है ये उनकी मंशा रही हो। तो पेज नंबर 28 पर यदि आप चाहेंगे तो मैं इसको दोबारा पढ़ देती हूं। होता यह था कि एक सप्ताह बाद जो कुछ मिलता था दूसरे सप्ताह में खा पीकर बराबर हो जाता। पता नहीं दोबारा कलकत्ता आ सकूंगा या नहीं, ये सोचकर खूब घूमने का मन बना लिया था। तो ये पृष्ठ संख्या 28 पर ये पंक्तियां हैं, पढ़ने में रुचि हो तो पढ़ सकते हैं। बीएचयू में पढ़ने के लिए मैंने बीए का फॉर्म तो भर दिया था, किंतु पूरी फीस यानी 120 रुपए जमा करने का संकट ज्यों का त्यों बना रहा। एडमिशन फॉर्म में मैंने स्थायी पता वाले कॉलम में गांव का पता भर दिया था, अतः एडमिशन हो गया। इसकी सूचना डाक द्वारा गांव चली गई। बहुत बाद में गांव का ही एक आदमी जो बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में अपना इलाज कराने आया था, उसने मुझे बताया कि एडमिशन के लिए जो चिट्ठी गई थी उससे हुल्लड़ मच गया कि यूनिवर्सिटी में मुझे नौकरी मिल गई है। पहले ही जिक्र हो चुका है कि जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया था तो गांव के जो ब्राह्मण थे ना चाहते हुए भी उन्हें बधाई देने उन्हें आना पड़ा तुलसी राम जी के घर, और वहीं पर उन्होंने अपना सुर्रा छोड़ दिया कि इन्हें तो 2-3 हजार रुपए की नौकरी मिल सकती है। तो उसी के चलते शायद घर में हड़कंप मच गया होगा कि इतनी नौकरी मिल गई है इतने पैसों की। तुलसी राम की सहायता से मुझे बीएचयू में दाखिला तो मिल गया था, किंतु असली संघर्ष आगे था। यद्यपि तपसी राम हॉस्टल में रहते थे, वे मेरे चलते हॉस्टल छोड़कर शहर में किराए के मकान में मेरे साथ रहने लगे। तो ये था इनके ये दोस्त, जो पहले इनके दोस्त देवराज सिंह जो जात से ठाकुर थे उन्होंने इन्हें धोखा दिया, लेकिन तपसी राम जैसे दोस्त भी इनकी जिंदगी में इनके जीवन में लगातार बने रहे जिससे इन्हें हौसला मिलता रहा। इसके पीछे विचार यह था कि उन दिनों 5 रुपए में एक कमरा किराए पर मिल जाता था जिसमें दो लोग आसानी से रह लेते थे, और लोहे की बनी सिगड़ी यानी चूल्हे पर लकड़ी का कोयला जलाकर खाना पका लिया जाता था, जो हॉस्टल के खर्च से आधी कीमत पर संभव हो जाता था।
उन दिनों राशन बहुत सस्ता होता था। नया चावल 1 रुपए में दो दो तीन तीन किलो मिल जाता था। आटा भी 1 रुपए में 2 किलो था। अरहर की दाल 1 रुपए किलो और सरसों का तेल 2 रुपए किलो मिल जाता था। तो मणिकर्णिका में लिखे इन दामों की तुलना आज के दामों से, आज के संदर्भों में करके देखें। आज सरकारें जानबूझकर दामों को उस मकाम पर पहुंचाने पर तुली हैं जहां गरीब की रोटी तक छिन जाए। किसान इसी चीज को लेकर आंदोलित हैं। तो से नो टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है ये जानने के लिए रितिका श्रीमाली जी के साथ एक खास मुलाकात पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर ही चर्चा करी थी रतन जी ने, वो एपिसोड आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर 20-25 रुपए में महीने भर का खाने का काम चल जाता था। इन्हीं विचारों के साथ तपसी राम के साथ मुन्नी लाल ने भी मेरे साथ रहने के लिए गौरीगंज में ही एक अन्य मकान में एक बड़ा कमरा 10 रुपए मासिक किराए पर लिया। उन दिनों दलितों को गैर दलित लोग किराए पर बनारस में मकान नहीं देते थे। अतः जो भी दलित किराए का मकान लेते थे वे अपनी जाति छिपा देते थे। गौरीगंज में जो किराया हमें मिला उसे मुन्नी लाल ने तय किया था। मकान मालकिन थी राजवंती चाची, जो जाति से तेली थी किंतु भेदभाव में उनके सामने कट्टर ब्राह्मण भी नहीं ठहरते थे। तो ये बात है 1966 की, जहां पर कमरा ढूंढना जातिवाद के चलते बहुत मुश्किल था मिलना। लेकिन यही जिक्र जूठन खंड 2 में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी करते हैं कि पूरे उत्तरांचल की ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है, समस्या है जातिवाद। जूठन में भी वे जिक्र करते हैं कि देहरादून में एक मकान ढूंढने के लिए उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ गई थी। इसके ऊपर यदि पिछला एपिसोड देखेंगे जिसमें मैंने चर्चा करी है इन सब चीजों की, कि यूपी चुनाव को लेकर, यूपी चुनाव होने वाले हैं और इन सब मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना वोट डालें। तो राजवंती चाची ने हम लोगों की जाति शुरू में ही पूछ ली थी। मुन्नी लाल ने उन्हें बताया कि वे स्वयं कायस्थ हैं और मेरे बारे में कहा कि मैं उत्तरकाशी का तुलसी राम शर्मा यानी ब्राह्मण हूं। और शायद राजवंती चाची को इसलिए यकीन आ गया होगा क्योंकि तुलसी राम तुलसीदास से बहुत मिलता जुलता नाम है, कि तुलसीदास ने यदि रामायण लिखी है तो तुलसी राम शर्मा तो ये हो ही सकते हैं। कुछ ऐसी कंफ्यूजन उनके माइंड में रही होगी। हम दोनों उस कमरे में रहने लगे। तपसी राम 1 महीने बाद आने वाले थे। राजवंती चाची मांस मछली आदि पकाने पर भी पाबंदी लगा चुकी थी। अभी महीना भर बीता भी नहीं था कि एक दिन मेरे एक सहपाठी मिर्जापुर निवास राम जन्म, जो दलित ही थे, हम लोगों से मिलने उस मकान में आए। हम लोग मकान में नहीं थे, राजवंती चाची ने उनसे जाति पूछ ली। राम जन्म ने ईमानदारी से बता दिया कि वे चमार हैं। फिर चाची ने मुन्नी लाल और मेरी जाति बताने के लिए उनसे कहा। उन्होंने एक बार फिर ईमानदारी से काम लिया। परिणाम स्वरूप जब हम दोनों रात के करीब 9 बजे उस मकान पर लौटे तो चाची दरवाजे पर ही बैठी हमारा रास्ता देख रही थी। वहां वह जिस मुद्रा में बैठी थी उसे देखते ही हमें आभास हो गया था कि आज कुछ गड़बड़ जरूर है। चाची हमें देखते ही उबल पड़ी और कहने लगी कि चौखट के अंदर घुसना नहीं, चमार होकर हमारे घर में दाग लगा दिया, वह भी झूठ बोलकर। चाची मेरे चेचकदार चेहरे पर निशाना साधते हुए कहने लगी, एक मां पहले ही दिन वह देखते समझी गए लो कि ई जरूर चमार हुई। चाची हमें भाग जाने के लिए कहने लगी। उनकी गालियां बहुत भद्दी थी। तो यहां पर उन लोगों को बता दूं कि जो लोग ये समझते हैं कि औरतें मनुवादी नहीं होती, ये प्रसंग उन्हीं के लिए शायद लिखा गया है। औरतें भी मनुवाद ढोती हैं। और यहां पर तो जिन राजवंती चाची का जिक्र है वह तो सवर्ण भी नहीं थी खुद, तब भी वह इतनी मनुवादी थी। और सोच लीजिए जो सवर्ण औरतें होती होंगी वे कितना मनुवाद ढोती होंगी। उसने बड़ी मुश्किल से हमें उस कमरे से अपना सामान लेने दिया था। सामान के नाम पर 2 एल्यूमिनियम की पतीली, 2 प्लेट, 1 सिगड़ी वाला चूल्हा था, 1 किलो लकड़ी का कोयला भी था। ये सारा सामान घर से लेकर भागे बक्से में रखकर मैं और मुन्नीलाल उस रात गौरीगंज के सामने वाली सड़क के किनारे बक्सा रखकर उस पर बैठे रहे और सोचते रहे कि रात में कहां जाया जाए।
मुन्नीलाल के एक सहपाठी भदैनी स्थित वीर आश्रम एक सरकारी दलित छात्रावास में रहते थे। गौरीगंज से वह लगभग 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। हम लोग बक्सा लिए करीब 10:30 बजे रात को वीर आश्रम पहुंचे। हम उस रात बिना खाए पिए ही वीर आश्रम में सो गए। मैं रात में बार बार रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास द्वारा लिखी गई चौपाई को याद करता रहा, जो इस प्रकार है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। बिल्कुल सही, यूं तो दुनिया में बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन जाति के नाम पर किए गए अपमान से ज्यादा दुख कुछ और नहीं है। तो जो लोग भी ये सोचते हैं, सवर्ण लोग आपके सामने कभी दुखड़ा रोए ना, तो उन्हें ये चौपाई जरूर बता दीजिएगा, रट लीजिए। जैसे तैसे हमारी सुबह तो वीर आश्रम में हो गई, किंतु राजवंती चाची की सुबह निश्चित रूप से कष्टकारी रही होगी, क्योंकि हमें भगाते समय उन्होंने धमकी दे रखी थी कि उस कमरे को गंगा जल से धोकर पवित्र करेंगी। गंगा गौरीगंज से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी। खासा व्यंग्य कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर दूर से पानी उन्हें लाना पड़ा होगा और कमरे धोने की मशक्कत तो थी ही साथ में। वीर आश्रम में मैं करीब 20 दिन रहा। उन दिनों बनारस के 50% से भी ज्यादा मकानों में बिजली का कनेक्शन नहीं होता था, अतः लोग ढिबरी लालटेन या लैंप से ही काम चलाते थे। वहां एक एक कमरे में 5-6 छात्र रहते थे। वह मकान घुप अंधेरे वाला मकान था। वहां कोई भी छात्र रात में पढ़ता नहीं था। मोमबत्ती जलते ही अपने नीचे अंधेरा बिखेर देती थी और ऊपर से प्रकाश में किताब को देर तक पकड़े रहना मुश्किल हो जाता था। वीर आश्रम के प्रबंधक बेचन राम थे। वे मूलतः एक भांड मंडली में नचनिया थे, किंतु बाद में कांग्रेस में शामिल होकर चंदौली के पास चकिया विधानसभा क्षेत्र में MLA चुने गए थे। बेचन राम बातचीत से सज्जन पुरुष थे, किंतु वीर आश्रम उनके लिए सिर्फ कमाई का धंधा बन गया था। तो यहां पर भी जो आश्रम का वीर आश्रम का हाल था वो बिल्कुल आजमगढ़ के अंबेडकर छात्रावास जैसा ही था। ये छात्रावास सिर्फ कमाई के अड्डे हैं लोगों के लिए। अतः छात्रावास की हालत बहुत खराब हो गई थी। वीर आश्रम के पीछे बगल वाली गली में भी एक सरकारी दलित छात्रावास था, जिसे जगजीवन राम के नाम से जाना जाता था। तो छात्रावासों की जो हालत है, और अभी यदि कल वाला वीडियो आपने देखा होगा रतन लाल जी का, जो अलका जी के साथ उन्होंने बनाया था, उसमें अब छात्रावास के साथ साथ जो मिलने वाला अमाउंट है SC ST को पढ़ने के लिए, उसमें भी किस प्रकार धांधली हो रही है, ये जानने के लिए एपिसोड जरूर देखिएगा। खास चर्चा है अलका जी के साथ। अतः छात्रावास की हालत बहुत जगजीवन राम छात्रावास के प्रबंधक थे। एक अन्य कांग्रेसी नेता राम लखन राम, जो बाद में कमलापति त्रिपाठी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने थे, उनका भी बेचन राम जैसा ही चरित्र था। जिस तरह का माहौल इन छात्रावासों में था, उससे साफ हो गया था कि वहां रहकर पढ़ना मुश्किल था। अतः मैं मुन्नीलाल तथा तपसी राम से मिलकर पुनः एक कमरा खेजमा बाजार में लिया। उसमें हम करीब 4 महीने रहे, किंतु वहां से विश्वविद्यालय आने जाने में काफी समय लग जाता था, इसलिए पढ़ाई बाधित होने लगी। ऊपर से भय हमेशा बना रहता था कि जाति का पता चलने पर फिर से भागना पड़ेगा। खेजमा बाजार वाला मकान एक बनिए का था। उस मोहल्ले के रास्ते में कश्मीरी गंज यानी कि नवाबगंज में खिलौने की अनेक फैक्ट्रियां थी, जिनमें लकड़ी के प्रदूषण रहित खिलौने बनाए जाते थे। उन फैक्ट्रियों में लकड़ी खरीदने की घर घों की आवाज हमेशा सुनाई देती थी। वहां से खिलौने निर्यात भी किए जाते थे। हमने जाति प्रताड़ना से बचने के लिए खेरवा बाजार वाले कमरे को भी छोड़ दिया। इस तरह सन 1966 के बीतते बीतते हम 4 मकान बदल चुके थे। तो ये सब कुछ जातिवाद के चलते था, और यही सब कुछ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन में भी है, जो इसी दौर की आत्मकथा है।
पांचवा कमरा हमें मिला दुर्गा कंड की रानी बड़हर कोठी में, मिर्जापुर जिले में। बड़हर नाम एक पूर्व राजा की रियासत थी, उन्हीं का एक मकान दुर्गा कुंड में था। उस मकान का निचला तल्ला कटरा नुमा बना था, जिसमें 15 कमरे किराए पर दिए जाने के लिए बने थे। शेष दो मंजिलों में तथा कथित राजा साहब रहते थे। राजा साहब हमेशा शराब के नशे में धुत होकर मकान में बड़े अहाते में कंधे पर दो नाली बंदूक रखकर ऐसे टहलने निकलते थे मानो वे शिकार करने जा रहे हों। वहां 30-35 छात्र रहते थे। राजा साहब के बंदूकी स्वभाव को देखकर सनसनी फैल जाती थी। उनके सामने कोई नहीं आता जाता था। वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अर्थात RSS के कट्टर समर्थक थे। इसलिए रानी बड़हर कोठी के अहाते में रोज शाम को करीब 150 लड़के शाखा लगाने आ जाते थे। शाखा के सर संघ संचालक थे BHU के ही छात्र विपिन बिहारी चतुर्वेदी। तो देखा आपने, BHU के ही छात्र संघ को किस तरह सपोर्ट करते रहे हैं। आगे भी विवरणों से ये भरी पड़ी है, तो इसीलिए ध्यान दीजिए और सभी एपिसोड कोई एपिसोड मिस ना कीजिए। शाखा में परेड तथा लाठी भांजने के आदि के बाद हर रोज चतुर्वेदी जी अनेक मन घड़ंग कहानियों के माध्यम से भाषण दिया करते थे। उनके एक एक शब्द में सांप्रदायिकता भड़काने वाला ओजस्व होता था। उनकी हर कहानी में किसी न किसी हिंदू युवती के साथ दुराचार के बाद उसके स्तन काटे जाने की घटना का जिक्र अवश्य होता था। जाहिर है ऐसे कृत्य का अपराधी किसी न किसी मुसलमान को ठहराया जाता था। तो 1966 या उससे पहले से भी मुसलमानों को लेकर जो सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जाता रहा है, उसी का नतीजा आज हम मूव लिंचिंग में देखते हैं। 2014 के बाद वाली जो असली आजादी है उसमें, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंगना रानावत जी को पता नहीं है कि असली आजादी का मतलब क्या है। ये आजादी उतनी ही बेकार निरर्थक है 2014 के बाद वाली जितनी के बिना प्राण का शरीर। शाखा में बैठे लड़कों के चेहरे ऐसी बातों को सुनकर एकदम तमतमा उठते थे। मैं अपने कमरे में बैठे बैठे चतुर्वेदी जी का भाषण सुना करता था, क्योंकि शाखा ठीक कमरे के सामने नीचे मैदान में लगाई जाती थी। आजमगढ़ के DAV कॉलेज के प्रांगण में लगने वाली शाखाओं का अनुभव तो मुझे था ही, किंतु बनारस की इस शाखा का माहौल ही कुछ और था। तो ये माहौल क्या था, इसे हम अगले एपिसोड में लेंगे। इस एपिसोड में लेंगे तो लेंथ यकीनन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं जानती हूं आप सब सुनने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मेरे बोलने की भी एक लिमिट है। तो इसीलिए अगला प्रसंग अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए हमारे साथ अंबेडकर नामा पे। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।